सभी बातों से प्रार्थना है, सभी लोग खाता लेकर बड़े फिर से इस बधाई के लिए जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, जी।
आपको कभी जरूरत होगी इसलिए निकट में। एंड ऑल्सो गुरुक्रम प्रभु गुरुकम प्रभु षटकम एंड देवेंद्र शुड कम हियर मोर फॉर देम यस एंड ये शुड कम हियर यस अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो। मैं प्रथम आराध्यतम नित्य लीला प्रविष्ट गुरु पाद पद्म श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरण कल में अपनी श्रद्धा पुष्पांजलि ज्ञापन करता हूं। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुभाष भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के चरणों में अपनी श्रद्धा पुष्पांजलि ज्ञापन करता हूं, जिन्होंने थोड़े ही दिनों में विश्व भर में भगवान नाम का कीर्तन सर्वत्र प्रचार किया, जिन्होंने लोगों का मध्यमांस मैथुन सब छुड़ाकर भगवान की भक्ति में जिन्होंने नियुक्त किया उनका कल्याण किया। तत्पश्चात मैं अपने कल के विषय पर आ रहा हूं। मैंने कल बतलाया प्राणी मात्र का चाहे जगत में कहीं भी हो, इस जगत के बाहर भी हो, चाहे पेड़ पौधे के रूप में हो, मनुष्य के रूप में हो, देवता के रूप में हो, सबके सब आराध्य सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है स्वयं नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर है। जितने भी देवता देवी लोग हैं सब इन्हीं की आराधना करते हैं, और की तो बात क्या, दुर्गा काली गणेश शंकर जी ब्रह्मा जी सभी लोग इन्हीं की ही आराधना करते हैं और जगत में इन्हीं की ही पूजा का प्रचार करते हैं। इस ब्रह्म का एक बड़ा ही सुंदर मनोहर रूप है जिसके शंकर जी ब्रह्मा इत्यादि जी मन ही मन में ध्यान अपने हृदय में करते हैं, किंतु वो भी बड़ा मुश्किल होता है। जब ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुक्कई रालक्षितोन साषा पुरुषस्य तस्य सद्य वशीकरण चूर्ण मनंत शक्ति, तो वो ध्यान करते हैं तभी उनका चरण कमल ध्यान में नहीं आता। ऐसे ये हैं ब्रज में गोप बालकों के साथ में खेले, ये गैया वेद की ऋचाएं हैं, उनको चराया पुष्ट किया और गोप बालकों के साथ में खेले, नंद और यशोदा का बात्सल्य स्नेह चखा और गोपियों के भी चरण धरे,
उनके वशीभूत हो गए, उनके प्रेम का प्रतिदान नहीं दे सके वो कृष्ण। ऐसे ये भगवान है। कुछ लोगों की ये शंका है, यहां पर भी कुछ लोगों की शंका हो सकती है, भगवान निराकार है, उनका आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है। जब जब भक्त लोग उनको पुकारते हैं तब हो सकता है कि वो नर रूप धारण करके जगत में आते हैं और फिर नर को छोड़ करके चले जाते हैं, किंतु यह बात गलत है। भगवान नर रूप धारण नहीं करते, उनका वह नर रूप ही नित्य है। वो अपने धाम से उसी रूप में जगत में उतरते हैं, इसलिए उनका नाम अवतार है। कृष्ण ये नित्य रूप उनका है, राम उनका यह नित्य रूप है। ये कभी ऐसा नहीं जो वो निराकार है या फिर रूप धारण कर लिया। वही सगुण है, वो भी निर्गुण है। तुलसीदास जी ने ऐसा वंदना किया, वही निर्गुण इसलिए हैं कि जागतिक गुणों से ऊपर वाले हैं, और सगुण किस लिए, अखिल कल्याण कोणी कल्याणकारी जो गुण हैं उन सब वही उनमें रहते हैं, नित्य काल विराजमान रहते हैं। इसलिए वे सगुण भी हैं निर्गुण भी हैं। लोग समझते हैं कि निर्गुण माने निराकार हैं और सगुण माने है जो उपधारण कर लिया, ऐसी बात नहीं। प्रभु का रूप नित्य है, कभी कभी दया करके इस जगत में वो उतरते हैं उसी रूप से। इसलिए त्रेता युग में भी, सतयुग में भी, उसके पहले भी त्रेता सतयुग में, बस कृष्ण का वही रूप है जो पहले लेकर के आते हैं। करोड़ों बार कृष्ण जगत में आए हैं किंतु रूप उनका वही, अलग नहीं। राम का वही रूप जो उनका नित्य जगत में है उसी लेकर के उतरते हैं। ये दो नहीं है, कल ही मैंने बतलाया था, ये दो नहीं है, एक ही है। चंद्रकलाओं की भांति एक ही ये प्रभु हैं। उपासना के दृष्टि से, तारतम्य से, एंगल ऑफ उपासना विजन, वो ऐसे दिखते हैं, नहीं तो एक ही है। चंद्र एक आकाश में है, किंतु चंद्र की और पृथ्वी की परिक्रमा इत्यादि के कारण जब पृथ्वी की छाया उस पर पड़ती है तो चंद्र में 16 कलाएं एक एक दिन में बढ़ती और घटती दिखती हैं, किंतु चंद्र अपने आप में सब समय पूर्ण है। उस स्थान में हम बहुत ऊंचे चले जाएं जहां पर पृथ्वी की छाया नहीं पड़ती है तो वो चंद्र पूरा दिखेगा। इसलिए जब कृष्ण में उपासना के वजह से, जबकि उनमें वात्सल्य और मधुर स्नेह नहीं होता, उसको नहीं प्रकट करते रस, तब वो राम के रूप में दिखाई पड़ते हैं, कहीं कुछ रूप में दिखाई पड़ते हैं। यह एंगल ऑफ भक्ति है, प्रेम है, किंतु है एक ही तत्व, अलग अलग नहीं है। इसलिए उनका रूप है केवल भारतीय शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में माना गया, ऐसा नहीं। हम तो इसको पीछे हम दिखलाएंगे आप लोगों को, पहले दूसरी बाइबल में, कुरान इत्यादि में जो लिखे हैं उसके अनुसार मैं आपको बतला रहा। बाइबल में भी लिखा, गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज, अपने रूप के अनुसार में गॉड ने मनुष्यों को बनाया। यदि उनका रूप नहीं है तो कैसे बनाया? क्या बाइबल से इस लाइन को काट सकते हैं? नहीं काट सकते। विशेष करके जो यीशु मसीह हैं, यीशु नाम है ना, क्या जीसस क्राइस्ट, जीसस हैं, ये क्राइस्ट के बेटे हैं, इसलिए जीसस क्राइस्ट कहलाते हैं। ये क्राइस्ट कौन है? कृष्ण से, कल मैंने बतलाया था। इसलिए जब कि बेटा का रूप है तो बाप का बेटा रूप नहीं होगा, ऐसे ही हो जाएगा, इसलिए जरूर उनका रूप है। इसलिए मैंने कल बतलाया जब बाप में यदि रूप नहीं है तब बेटा में रूप कहां से आ गया? इसलिए विश्व सब उन्हीं से निकला है, तो विश्व में जितने भी रूप हैं सब उनमें है, किंतु हम अभी देख नहीं पा रहे। इसलिए साधन के द्वारा जब हम उनको देखेंगे, हमारी आत्मा की आंखें खुल जाएंगी, तो देखेंगे कि बड़ा सुंदर उनका दिव्य रूप है। हमारे शास्त्रों के अतिरिक्त मुस्लिमों के कुरान में भी है ऐसा,
वो भी अस्वीकार नहीं कर सकते। इन्ना लहा खलाका मैन सुगत ही, सूरत में क्या रूप, खुदा का रूप है, खुदा के बंदे होते हैं। यदि खुदा के बंदे हैं तो प्रभु का रूप नहीं होगा, प्रभु का रूप नहीं होगा। वे सृष्टि के बाद में, प्रलय होने के बाद में सब बंदों को बुला करके उनका विचार करते हैं। कौन विचार करता है? उनके कर्म के अनुसार में फल देता है तो उसका रूप तो जरूर होगा, उसकी प्रतिनिधि सभा होगी, मंत्रिमंडल होगा, सब उनकी व्यवस्था है, उसी की छाया ये जगत है, इसलिए उनका रूप जरूर मानना पड़ेगा। नहीं तो रूप की पटेंसी यदि ब्रह्म में नहीं है तो फिर कैसे होगा ये सब, कैसा कहां से आएगा? आम की गुठली से ही आम पैदा होता है। चावल का पौधा लगा दो बीज गेहूं जो, तो उसे आम नहीं हो जाएगा, आम से इमली नहीं होगी, आम की गुठली से आम ही होगा। तो जब आम से पेड़ हुआ है तो समझो उस गुठली में उस चीज की रूप की पोटेंसी है, अभी अभिव्यक्त नहीं थी, जहां मट्टी में डाल करके पानी दो तो आम से आम का पेड़ बन जाएगा। ऐसे ही जितने भी जीव हैं ये सब यदि प्रभु में नहीं रूप है तो ये कहां से आया? अब इसको हम अपने आप शास्त्रों से भी बतला रहे। दूसरी बात, ये बौद्ध धर्म हमारे हिंदू धर्म से ही, भारतीय संस्कृति से ही निकला। उन्होंने भगवान का ध्यान नहीं मिला तो उन्होंने कहा जब भगवान का रूप नहीं है, ये शून्य से जगत पैदा हुआ इसलिए उसको शून्यवाद कहते हैं, और मरने के बाद में सब जगत का प्रलय होने पर शून्य में मिल जाएगा। तो इसका मतलब हुआ नथिंग से ये सबकी सृष्टि हुई, किंतु बात ऐसी नहीं। नथिंग से आज यदि सृष्टि होती तो कितनी सृष्टियां हो जाती, कितने आदमी जैसे कितने ये सब हो जाता, किंतु आज से मनुष्य से और दूसरों प्राणियों से कोई दूसरा चीज नहीं हो सका। लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए, मंकी से हम नहीं बने हैं, हम बानर से मनुष्य नहीं हुए हैं, पहले से ही मनुष्य है, भगवान ने ऐसी सृष्टि की है। इसलिए ये डार्विन की थ्योरी एकदम गलत है, कुछ दिनों के बाद में देखेंगे एकदम गलत है। इसलिए हमारे बौद्धों में देखिए, यदि उनका रूप नहीं है तो बुद्ध देव का रूप कैसे बनाया, उनकी पूजा क्यों क्यों करते हैं? जैनियों में देखेंगे, जैनी लोग भी 20-25 फुट की मूर्ति रखते हैं। क्यों रखते हैं? यदि भगवान का रूप ही नहीं है तो चर्च बनाने की जरूरत क्या, मस्जिद बनाने की जरूरत क्या, खुले आकाश में और उनका पूजन करें, पूजन करें तो उनका आकार है ही नहीं है तो मस्जिद में कहां से आएंगे? इसलिए ऐसी बात नहीं। हमारे जो पूर्वज सनातन धर्मावलंबी हैं, भगवान के सनातन रूप को मानते हैं, सच्चिदानंद रूप को। वो सच्चिदानंद क्या है? सत मने उनका यह शरीर है नित्य और सत्य है, परम सत्य है, त्रैकालिक सत्य है। और चीत, चीत माने ज्ञान, ज्ञान माने ऊपर बढ़कर के भाव, प्रेम बन जाता है, वो सबके आधार है। और आनंद जिसके द्वारा जगत के सब लोगों को आनंद देते हैं, और स्वयं आनंद मय है और आनंद स्वरूप भी है। यदि उनमें आनंद नहीं होता तो ये प्राणी कहां से आनंदित हो सकते थे? यदि ब्रह्म हृदय में न रहे, आत्मा निकल जाए जरा परमात्मा तो देखो तो शरीर कहां रह जाए, कहां आनंद है? इसलिए आनंद यदि है तो उन्हीं में है। एक समय की बात है, सत्यों की बात है, तुलसी की रामायण में, वाल्मीकि रामायण में इस प्रसंग को लिया गया है। एक बार शंकर जी सती को लेकर के, अपनी पत्नी सती जी को लेकर अगस्त ऋषि के आश्रम में गए। अगस्त ऋषि का आश्रम दक्षिण भारत में था, समुद्र के किनारे, अभी भी वो अगस्त आश्रम है। हम लोग जब दक्षिण भारत में तीर्थों का दर्शन करने के लिए हम गए थे गुरु जी के साथ में, अगस्त ऋषि के आश्रम को देखा है, उन्हीं का दूसरा नाम कुंभज भी है।
तो वो शंकर जी उनके पास में गए और दोनों मिलकर के भगवान रामचंद्र जी की कथाओं का वर्णन करते हुए, तत्वों का वर्णन करते हुए बड़े आनंद से कुछ दिन तक वहीं पर रहे शंकर जी अपनी पत्नी के साथ। कुछ दिनों के बाद में, हरिकथा होने के बाद में वो लौट रहे थे और इतने में रामचंद्र जी महाराज दशरथ जी का आदेश और कैकेयी का आदेश पालन करने के लिए दंडकारण्य में ऋषि जैसा जटाजूट बनाकर सीता जी और अपने भैया लक्ष्मण जी को लेकर के घूम रहे थे। इतने में रावण एक दिन मारीची की सहायता से सीता जी को हर ले गया। अब तो राम उनके विरह में तड़फड़ा रहे और हर्षिते प्रिय तुम कहां हो, आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है और पेड़ों से भी उनको अंक में लेकर कहते हैं कि हमारी प्रिया जी को देखा, वो जाती थी तो तुम्हारे यहां से फूल चुनती थी, गोदावरी तुमने सीता जी को देखा, हिरण से पूछा हिरण वो तुम्हारी तो बड़ी प्रिय थी, हमारी सीता जी को देखा, और रो रो करके विलाप कर रहे। उसी समय शंकर जी सीता सती जी को लेकर के सोचा भगवान दंडकारण्य में पधारे और विलाप कर रहे हैं, उनका दर्शन हो जाए तो अच्छा है, ये कहकर उनके दर्शनों के लिए दंडकारण्य में पधारे। वहां देखा तो राम तो रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, लक्ष्मण जी उनके पीछे पीछे क्या करूं ना करूं कुछ समझ नहीं रहे, उनके पीछे पीछे डोल रहे हैं। शंकर जी ने उनको प्रणाम किया, एकदम प्रेम में भर गए, उनके रोमांच हो आए और दूर से उनकी लीला में कोई व्यवधान न पहुंचे, बाधा न पहुंचे, इसलिए दूर से उनकी परिक्रमा की और परिक्रमा करके साष्टांग प्रणाम किया और उनकी दूर से ही स्तव स्तुति की और स्तुति करके जब लौटने लगे तो सती जी ने उनसे कहा प्रियतम आप किसकी वंदना कर रहे हैं, किसको प्रणाम कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि हम अपने परमा आराध्य पर ब्रह्म उनको मैं सच्चिदानंद श्री रामचंद्र जी को प्रणाम कर रहा हूं, वह हमारे आराध्य देव हैं। सती जी ने कहा जो समस्त संसार का कारण है, जो कि अज है, अज माने जिसका जन्म नहीं है, जो समस्त कारणों से अतीत हैं, अनीह हैं, अनीह माने संसार से कोई आसक्ति नहीं, जो कि गुणों से अतीत हैं, व्यापक ब्रह्म हैं, व्यापनोति ब्रह्म सब जगह व्याप्त है, ऐसा कोई भी प्राणी और पदार्थ नहीं है जिसमें वो नहीं है, ऐसे प्रभु ये नर रूप लेकर के इस जगत में आए हैं, तो भी यदि नर रूप लेकर के विष्णु भी आए तो वो अज्ञानी नहीं होते। उन्हें मन में सोचा जी जैसे शंकर जी सब कुछ जानने वाले हैं तो इनको अज्ञान से कहां गया, ये दशरथ महाराज का लड़का ये कैसे व्यापक ब्रह्म हो सकता है, ये अपनी स्त्री के मोह में बिल बिला करके रो रहा है, पेड़ों से पूछ रहा है सबसे और रो रहा है, अज्ञानी ये ब्रह्म कैसे हो सकता है और ब्रह्म का रूप कैसे होगा, वो तो व्यापक है, यदि एक शरीर धारण करेगा तो सब जगह कैसे व्याप्त हो सकता है, इसलिए ब्रह्म कदापि नहीं हो सकते। किंतु शंकर जी सर्वज्ञ हैं, सब देवता लोग इसको मानते हैं ये सर्वज्ञ है, तो ये झूठ तो बोल नहीं सकते, और उधर में व्यापक ब्रह्म ये जन्म कैसे ले सकता है और कैसे रूप हो सकता है, इसको अज्ञानता कैसे, ये नहीं जानता जे रावण हर करके ले गया है, मैं तो जानती हूं, फिर ये नहीं जानता और रो रहा है, तो ये ब्रह्म कैसे होगा, शंका आई। जब शंका हुई शंकर जी समझ गए, समझाया देखो शंका मत करो, तुम तो हमको गुरु भी मानती है ना पति के साथ साथ में, गुरु के बातों में अविश्वास नहीं करना चाहिए, बहुत तरह से समझाया उनके चित्त में नहीं आया। शंकर जी ने देखा
ये भगवान की ऐसी विचित्र माया है जो बड़े बड़े लोगों को नारद तक कभी मोह में डाल देती है। इसलिए क्या करूं, समझाने पर नहीं समझ रही। को तर्क बढ़ा वही साखा, अब तर्क करके मैं क्या करूंगा। अब देखें प्रभु की जैसी इच्छा होगी, ऐसा समझ करके एक वट के पेड़ के नीचे में बोले, प्रिय तुमको यदि बोध नहीं होता है, हमारी बात नहीं अच्छी लगती और उस पर विश्वास नहीं है, तो तुम जाकर के परीक्षा ले लो, यही पर तो है, परीक्षा ले लो और मैं तब तक के लिए इसी वट वृक्ष पर यही छाया में बैठ रहा हूं, तुम जल्दी से लौट आना परीक्षा लेकर के। वो जल्दीबाजी भी नहीं है, परीक्षा तो ले लो। ऐसा कह करके शंकर जी बैठ गए और पार्वती को उनको सती जी को कहा जाओ। उन्होंने सोचा, चली गई, सोचे कैसे परीक्षा दूं। परीक्षा एक अच्छी बात होगी ये कि मैं यदि किस प्रकार से सीता जी का रूप बना लूं और उसके सामने जाऊं तो यदि मनुष्य होगा तो हाँ सीते तू मिल गई और हमको आलिंगन करने के लिए आएगा, तो मैं समझ जाऊंगी कि ये मनुष्य है, ब्रह्म नहीं है। और यदि सचमुच में ब्रह्म हुआ तो हमें पहचान जाएगा जे मैं सती हूं, शंकर जी की पत्नी हूं। ऐसा सोच करके क्षण मात्र में ही अपना सीता जी का रूप, वैसा ही श्रृंगार जैसे कि रावण हर करके ले गया था, वैसा ही एकदम रूप बना करके और सामने में खड़ी हो गई। रामचंद्र जी ने देख करके भी देखा नहीं और उस ओर से रोते हुए दूसरी तरफ में चले गए, तो ये भी दूसरी तरफ से वहीं पर सामने पहुंचे। तो जिधर राम रोते हुए जाते हैं उधर ही वो जाकर के खड़ी हो जाती है। तो राम ने हाथ जोड़ करके उनको देख करके प्रणाम किया, माताजी आपको मेरा सश्रद्ध प्रणाम है, आप अकेली बोल रही हैं, हमारे विषकेतु शंकर जी किधर गए, आपको अकेली तो नहीं दू घूमनी चाहिए थी। अब सुनते ही उनके होश उड़ गए, कैसे जान लिया, समझ लिया हमको, तो जरूर ये ब्रह्म होगा, किंतु अभी शंका पूरी रूप से नहीं गई, किंतु ये जान नहीं सकता था ये जरूर ब्रह्म है, ये तो ठीक है। और वो लौटी शंकर जी के पास में जा रही, उनको क्या जवाब दूं, कैसे मैंने परीक्षा ली, क्या है? इतने में राम को उन पर दया आ गई, इसको कुछ अनुभव करा दो, ये भक्त तो है, इसको माया थोड़ी सी व्याप्त हुई, इसलिए थोड़ी सी अपनी इसको प्रभाव जरा दिखला दो। ऐसा सोचते ही जो वो माया के द्वारा उन्होंने ऐसा किया, जो सती जी जो जा रही थी सोच रही थी ये मैं क्या कहूं, शंकर जी को क्या उत्तर दूंगी, नहीं मैंने तो ये काम बहुत गलत किया है, ऐसे सोच कर जा रही। इतने में देखा जिधर देख रही हैं उधर ही में राम लक्ष्मण और सीता, फिर इधर देखा जो कुछ दिखाई पड़ने लगा, इधर उधर बाहर भीतर सर्वत्र दिखा दिया राम लक्ष्मण सीता, और सीता जी उनके साथ में मुस्कुराती हुई, और सब जितने देवता लोग हैं ब्रह्मा विष्णु महेश भी, विष्णु भी कोटि कोटि ब्रह्मा कोटि कोटि मुख वाले ब्रह्मा, और उनकी स्तव स्तुति कर रहे हैं। अब तो देख करके और भी चकित हो गई, शंकर को भी देखा वो भी उनकी स्तुति कर रही हैं। फिर आंख ऐसे मलाज जैसे देखें तो जो मैं सपने देख रही हूं क्या हो रहा है मेरी समझ में नहीं आता, जब फिर आंख खोल करके देखा तो देखा जय राम वही करें हा सीते हा प्राण प्रिय साथे, और रो रहे हैं और पेड़ों से पूछ रहे हैं, हिरणों से पूछ रहे हैं। अब तो सती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब वो लौटी, शंकर जी वहां पर बैठे हुए थे, शंकर जी के समीप में जब गई तो शंकर जी ने उनसे पूछा उत्कंठापूर्वक, प्रिय कुछ परीक्षा आपने की, यदि परीक्षा की तो हमको सच सच बतला दो। तो वो डर गई कुछ, बोली जी नाथ मैं क्या उनकी परीक्षा लूं, आप मेरे गुरु हैं, आपने कह दिया बस अब मैं समझ गई कि ठीक वो परब्रह्म है। झूठ बोली, गुरु से कदापि झूठ मत बोलो,
एक विषय को छिपाने के लिए तुम 10,000,000 बार झूठ बोलेगा। एक तो गुरु के प्रति विश्वास ऐसा जो गुरु कह दे जो वो ठीक है, गुरु भी ऐसा होना चाहिए, गुरु जैसे तैसे नहीं होने चाहिए। पानी पियो छान कर, गुरु करो जान कर। अरे एक पैसा की हड़िया लेने के लिए बाजार में जाते हैं तो एक लकड़ी से बजाते हैं, ठन ठन कर रही कि खन खन कर रही है, खन खन करती है तो फूटी हुई है, मतलब 2 पैसे की हड़िया, और ठन ठन करती है तो ले आओ। प्रत्येक चीज को देखते हैं हम लेते समय में, और गुरु करते समय जो कह दिया जैसे ये गुरु है महा मुक्त गुरु है, पैसे के लिए दौड़ते हैं दिन रात, 10 स्त्रियों के पीछे भागते हैं, शास्त्र की दो एक बातों को रट लिया है केवल, और तोते जैसे बोलते हैं ये गुरु गुरु नहीं है। भगवान की अनुभूति होगी, सारी शंकाओं को दूर करने के लिए शास्त्रों के प्रमाणों को वो जानते हैं और निरंतर भगवान नाम करते हैं। पैसे के प्रति आसक्ति नहीं होगी, यदि है तो उसको गुरु मत बनाओ, खबरदार। यदि पैसा चाहता है, यदि पैसा भी मिला तो उसको भगवान और भक्तों की सेवा में लगा देगा साथ ही साथ में, और उसको किसी विषय में शंका नहीं होती, कभी उसका पतन नहीं होता, कभी हो ही नहीं सकता। जो गुरु हो गया पतन हो गया तो गुरु क्या रहा, इसलिए गुरुओं का पतन नहीं होता। इसलिए गुरु जी से झूठ बोली, एक तो पहले तो उनके बातों पर विश्वास नहीं हुआ, पहला अपराध, और दूसरी बात गुरु के वचनों में कभी अविश्वास न हो, नहीं तो गुरु से कोशिश से गिर जाएगा। और दूसरी बात गुरु से झूठ मत बोलो, हृदय को खोल करके रखो, यदि कोई चीज अपराध भी हो गया तो उनके सामने रख दो, वो तुम्हें क्षमा कर देंगे। तीनों ने झूठ बोल दिया, ये नाथ मैं क्या उनकी परीक्षा लूंगी, आप जो कहा वो ब्रह्म ही है। शंकर जी ने ध्यान लगा देखा, अरे ये तो सीता जी का रूप धारण किया, वो तो मेरी आराध्या देवी है, मैया है, तो मैया का रूप बनाया इस शरीर से, ये इस पाप से तो उद्धार होना बड़ा कठिन है। अब इस शरीर से हमारा उनका संयोग पति और पत्नी के रूप में नहीं होगा, नहीं हो सकता, ये हमारी मैया बन करके रहेंगे। बस मन ही मन में प्रतिज्ञा की कि आज से इनको मैया को अपना बनाया और पति पत्नी का संबंध नहीं रहेगा। जब उन्होंने मन में संकल्प किया शंकर जी, क्यों ही भगवान की वाणी हुई और आकाश से पुष्प की वृष्टि हुई, शंकर आप भक्ति की मूर्ति स्वरूप हैं, वैष्णवों के आप जगत गुरु हैं, वैष्णवों में आपके सिवा ऐसी कौन प्रतिज्ञा कर सकता है। शंकर जी ने सोचा हमारी प्रिया है और सब प्रकार से गुण है, इसे इसको छोड़ नहीं सकता, त्याग तो हमें कर देना चाहिए था, मैं त्याग नहीं कर सकता, किंतु साथ ही साथ अब पति पत्नी का जो प्रेम था वो प्रेम नहीं रहेगा, उसको मैया के रूप में हमको ग्रहण करना पड़ेगा। देवताओं की जब पुष्प वृष्टि हुई तो सती जी ने उनसे पूछा, प्रिय प्रियतम आपने क्या प्रतिज्ञा की, तो वो कुछ बोले नहीं, चुपचाप चलते आए और भगवान की लीला कथाएं उनको समझाते सुनाते हुए आए, कैलाश आश्रम में बैठ करके अपने आसन पर बैठ करके और समाधिस्थ हो गए और 88,000 वर्ष तक एकदम समाधिस्थ हो गए। अब इन्होंने देखा जैसे ये अभी शरीर से मैं इनकी पति पत्नी के रूप में मैं नहीं सेवा कर सकता, हाय हाय मैंने बहुत बड़ा भारी अपराध किया, गुरु के चरण में 2 अपराध किए, बतलाइए ये कोई अपराध सा नहीं है, किंतु ये और यदि कोई गुरु को धोखा दे, गुरु को मारे, गुरु की निंदा करे, तो उसकी क्या गति होगी, और यदि गुरु ही इसका पात्र है वही करता है ऐसी निंदा का बात, तो भी उसकी निंदा मत करो, उसका अपने आप विनाश होगा। एक तो ऐसा गुरु मत करो, और यदि गुरु कर लिया उस समय जाना नहीं, आप समझ रहे हैं उसको तत्क्षणात छोड़ करके शुद्ध परमार्थी गुरु करो, नहीं तो तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए सती जी ने सोचा हमारा अपराध हो गया, अब क्या करूं,
उन्होंने सोचा अब इस शरीर को रखने से कोई लाभ नहीं, इस शरीर को जला करके भस्म करके दूसरे शरीर में हम आकर के इनकी तपस्या करके फिर इनकी सेवा करेंगे, इस रूप में अब नहीं होगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, सेवा तो करती रही। 88,000 वर्ष के बाद में जबकि वो समाधि से उठे तो फिर वही हरि कथा भगवान की लीला कथाएं तरह तरह की सुनाने लगे। और इसी बीच में एक दिन आकाश मार्ग से बहुत से विमान जा रहे थे, युग भी बदल गए। जब जा रहे थे तो उन्होंने देखा जी हमारी यह सब बहनें अपने पतियों के साथ में जा रही हैं हमारे पीहर में, पिताजी ने सबको निमंत्रण दिया है, वो यज्ञ कर रहे हैं उस यज्ञ में भाग लेने के लिए। सबको बुलाया किंतु शंकर जी को और पार्वती जी को, इनको सती जी को नहीं बुलाया। इनकी इच्छा हुई इसे मैं भी चलूं, मेरा मन नहीं लगता। पति से कहा शंकर जी से, आप यदि आदेश दें तो अपने पिताजी के यज्ञ में मैं भी जाऊं, दो चार दिन रह करके फिर आ जाऊंगी। शंकर जी ने कहा बात तो अच्छी है किंतु देखो गुरु के यहां, मित्र के यहां, पिता माता के यहां बिना बुलाए जा सकते हैं, किंतु यदि वो विरोध करता है तो मत जाओ। वो हमसे विरोध करता है, वो समझता नहीं है मुझे, हमको साधारण मनुष्य समझता है। जब किसी समय में देव सभा में वो गया, शंकर जी वहां पर बैठे थे, सारे देवता लोग उठ करके खड़े होकर के उसके पिताजी सती जी के दक्ष प्रजापति सब लोग उसको प्रणाम किया, किंतु शंकर जी उठे नहीं। तो इसने कहा से पागल को, भूत पिशाच की पूजा करने वाले को अपनी कन्या का दान मैंने किया, जो पिता को भी सम्मान नहीं करना जानता। शंकर जी समाधिस्थ में उस समय थे, भगवान चिंतन कर रहे थे, उसको बड़ा गाली गलौज किया। शंकर जी की समाधि खुली तो देखा जैसे ये तो मुझे गाली गलौज बारे समझ नहीं रहा है, जो भगवान को प्रणाम करता है वो तो विश्व ब्रह्मांड को प्रणाम कर लिया। तस्मिन तुष्टे जगत तुष्टी, मैं तो सब जीव मात्र को प्रणाम करता हूं, मेरे भाव को नहीं समझा। उसने गाली गलौज किया, तब से शंकर जी से विरोध मानने लगा। इसलिए सबको बुलाया किंतु शंकर जी को नहीं बुलाया, और अपनी बेटी को भी जो सबसे सुंदरी और गुणवती थी, रूपवती थी, छोटी लड़की थी, उसको नहीं बुलाया। किंतु इनका मन नहीं मान रहा, शंकर जी के मनाने पर भी नहीं मानी। उन्होंने कहा जी मैं तो चलती हूं, अकेले पैर पटकती हुई चली। शंकर जी ने पीछे से अपने कुछ अनुचरों को उनको भेज दिया और अपनी नंदी को भेज दी, उस पर बैठा करके वो लोग ले गए। जब वहां पर उतरी तो देखा क्या, सब देवताओं को यथायोग्य आसन और सब मिले हैं, सबको आदर किया जा रहा है, यज्ञ का भाग दिया रहा है और शंकर का कोई भाग नहीं, शंकर जी का अपमान किया जा रहा है। और दक्ष प्रजापति के डर के मारे उसकी बहनें भी आज इनसे नहीं बोली जो बड़ा प्यार करती थी। केवल एक मैया आई उससे मिलने के लिए, वो भी छिप लुक करके आई और उसका अपमान किया गया। पिता खुद देख रहा है सामने, उसे बुलाने पीठ फिरा दिया, ओ ये शंकर के वजह से मेरा भी अपमान कर रहे हैं। अब सह नहीं सकी, यज्ञ हो रहा था, स्वाहा स्वाहा हो रहा था, लाखों लोग वहां पर थे और सबके सामने में उन्होंने कहा जैसे एक तो शंकर जी की मैं पत्नी के रूप में अब रही नहीं, इस शरीर को तो वो ग्रहण नहीं करेंगे, और दूसरे पिताजी ने उनका अपमान किया और मेरा भी अपमान किया। अच्छा तो ठीक है, बैठ गई ऐसे और ऐसा समाधि के शरीर से आग निकली और क्षण मात्र में जल करके खाक। शंकर के दूत थे, यज्ञ को विध्वंस कर दिया। अंत में शंकर के दूतों ने आकर के उसका सिर भी काट लिया। ये सब तो आगे की बात, फिर पीछे से बकरा का सिर उसके ऊपर में दे दिया गया। शरीर तो मनुष्य का और सिर किसका, बकरा। माने क्या, बकरी के बिना जीव नहीं सकता, उसकी दुलत्ती खाएगा, उसके पीछे डोलेगा, उसका दूसरा कोई कारण नहीं है, कोई कार्य नहीं है, ऐसे कामुक व्यक्ति को बकरा कहा जाता है। तो इस तरह से जो भगवान का भजन नहीं करता संसार को समृद्ध करने में दक्ष हो सकता है, दक्ष माने चतुर, किंतु भगवान का भजन नहीं करता वो मनुष्य बकरे के समान है।
यहां तक कहा गया वो गधे के समान है, धर्मे नहीं ना पशु भी समान, खौर कहा गया उनको। इसलिए जो सब काम में चतुर है भगवान का भजन नहीं करते, आत्मानुभूति नहीं है मनुष्य शरीर लेकर के भी, तो वो सब लोग पशुओं के समान है। तो वो जल करके खा हो गए। फिर दूसरे जन्म में पर्वत हिमाचल की लड़की होकर के आई, फिर तपस्या की और फिर शंकर जी से पीछे से शादी हुई, तो शंकर जी ने उनको ग्रहण किया। ये है कौन? विश्व की सृष्टि करने वाली है उमा जी, शंकर की अर्धांगिनी है, सब जुगों विभूतियों और गुणों से युक्त हैं, ये सीता जी की अंश है, ऐसे समझो। तो जबकि सती जैसी लोक हुई, अपने गुरु पर विश्वास नहीं किया और सोचा जब जो व्यापक ब्रह्म है उसका रूप नहीं है, वो कैसे मनुष्य शरीर में आएगा, फिर तो जन्म लेना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, इसलिए कदापि ये ब्रह्म नहीं है संदेह हो गया। इसलिए उनकी ये गति हुई। इसलिए समझो कि हमारे शास्त्रों में ऐसे ही लिखा है, भगवान का रूप जो होता है सच्चिदानंद होता है, सदा होता है, उसका कभी विनाश नहीं होता, आंखों से ओझल हो जाते हैं, छिप जाते हैं, जैसे चार सवार घोड़े पर चढ़ करके आ रहे हैं, बड़ी तेजी के साथ में दौड़ रहे हैं। हमने देखा यहीं से जंगले से या दरवाजे से देखा जो घोड़े जा रहे हैं, घोड़े चल करके फिर आगे चले गए, तो घोड़े क्या मर गए? अरे हमारे आंखों के सामने आए, उनको देखा, इसके बाद में नहीं देखा, इसलिए मर नहीं गए, घोड़े आगे दौड़ रहे हैं। ऐसे ही भगवान की लीलाएं हैं, कुछ समय के लिए प्रकट करते हैं जीवों के कल्याण के लिए, फिर इस रूप को लेकर के चले जाते हैं। हम लोग इन आंखों से देख नहीं सकते, अभी भी भगवान हैं, उनकी लीलाएं हो रही हैं, किंतु हमारा हृदय उतना उन्नत नहीं है, साधन नहीं है जो उनको देख सके। अरे उसकी तो बात दूर छोड़ो, दूध में घी दिखता है, मथने से दिखेगा, वो भी मक्खन होगा, मक्खन को आग पर पिघलाओ तो घी निकल आएगा, सरसों में तेल है दिखता है, थोड़ा सा घानी में लगाओ पीस दो, देखो जो उसमें तेल निकल आएगा। ऐसे ही विश्व ब्रह्मांड के अणु अणु में भगवान है, उनका रूप है, हमारा भी रूप है, ने? अभी माया के द्वारा से यह ढका हुआ है। एक दूसरा और उदाहरण समझिए, एक समय की बात है, गरुड़ जी को जानते हैं, भगवान के वाहन हैं नारायण के, अच्छा एक कीर्तन कर दो, तो आपके लड़के आए, हाँ आ जाए एक भजन सुनाए, तो तुम्हें अक्टूबर
ऑस्ट्रेलियन मेलोडी, ऑस्ट्रेलियन वर्ड। नीचे नीचे नीचे, डाउन डाउन डाउन, हाई ताजा। अच्छा, गो ऑन।
ठाकुर डोलू राधे राधे ना ब्रज की गली मैं करतु राधा राधा ब्रज की गलियों में
वैसी अनुपम झांकी है। वृंदावन की कुंज गली हो, पासी में कुंज गली है, पासी में प्रेम गली है, पासी में मान गली, दान गली, मान गलियां हैं, चारों एक जगह मिली है। बड़े सघन कुंज हैं, चलने में कपड़े पकड़ लेंगे। कहती है कोई या कर रहे हैं कोई साधक, आ राधे राधे उस कुंज में जाऊं, मैं अपने को तन मन को सुधी बिखर जाऊं, भूल जाऊं अपने को। उस समय में मुख से राधे राधे नाम निकलता हो, और उस समय में घूमते घामते राधा जी में तन्मय हो जाऊं और मेरे प्राण निकल जाए तन से। वृंदावन जमुना का किनारा है, कोयल कुहक रही, मोर नाच रहे हो, कदम्ब की छैया हो, उसमें ये कांटेदार कुंज हो, और राधे राधे कहते हुए राधा जी का दर्शन झांकी करते हुए मेरे प्राण निकल जाए, कितना रस है इसमें। और यदि आप लोगों को कोई आए कहेंगे जी अरे हम ब्रह्मास्मि, तुम ब्रह्म है, तुम ब्रह्म, इसमें क्या आनंद है, ब्रह्म ब्रह्म बोगस बातें। कोई आदमी ब्रह्म हो सकता है, ब्रह्म मिलकर के ब्रह्म जैसा अभिशाप और कोई जगत में नहीं है। अरे ब्रह्म हो गया तो पत्थर बन जाएगा, उसकी अनुभूति नहीं रहेगा, बातचीत करने के लिए कोई नहीं रहेगा, प्रेम करने के लिए तो ब्रह्म बन गया, क्या बन गया, निराकार निर्विशेष निरंजन अव्यक्त अनादि निर्गुण बन गया। एक पत्थर तो उसे अच्छा है, उसका रूप तो है, उसे तो कुछ काम हो जाता है, उस पर सिल लोढ़े से कुछ कर लेते हैं, उस ब्रह्म से क्या जो जिसमें दया नहीं है, जिसमें रूप नहीं है, उसमें कोई गुण नहीं है। अरे पत्थर में तो कुछ गुण भी है, उसमें कुछ गुण नहीं है, ऐसा ब्रह्म होना कदापि अभिसंपात है। किसी को अभिसंपात लगता है भगवान असुरों को मार करके ये दुर्गति देते हैं, जाओ ब्रह्म बन जाओ, एनिहिलेशन टू आत्मा है ये, खबरदार। कोई आए तो दूर से नमस्कार करो, महाराज जी आप राधे राधे नाम सुनाइए तो सुनेंगे हम लोग, और कुछ नहीं सुनना चाहते। ब्रज की कृष्ण की लीलाएं, राम की मधुर लीलाएं हम सुनना चाहते हैं, ये ब्रह्म ट्रम्ह हम नहीं जानते, ये ब्रह्म कहां का कौन है। उसको गोपियों ने चिथड़ी बना करके जमुना में फेंक दिया, और वो चिथड़ी चलते चलते गुदड़ी जमुना से गंगा में मिली, और समुद्र के नमक में जाकर के मिलकर के वो नष्ट होकर के चली गई। भारतवर्ष में ब्रह्म नहीं, कृष्ण के दास हम हैं, राम के दास हैं, ब्रह्म ट्रम है ये, कौन कहां से आ गया। इसलिए वृंदावन में भक्तों के ब्रह्म ज्ञान की बिक्री नहीं होती। हम वही ये प्रेम का प्रसार टोकरी में ले आए हैं, राधा प्रेम, कृष्ण प्रेम, गोपी प्रेम। यदि आप लोग लेंगे तो सस्ते में दे दूंगा, और नहीं तो अपना माल इंडिया में फिर मैं वृंदावन में लेकर के लौट जाऊंगा, ऐसे तैसे नहीं दे दूंगा। ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है। भगवान का नाम करना चाहेंगे, भक्ति करने, जीवन आपका सुधर जाएगा, सुखमय बन जाएगा। ब्रह्म में भक्त लोग ब्रह्म का यह देने पर भी ब्रह्म की पदवी मुक्ति नहीं लेना चाहते। अरे वृंदावन में तो मुक्ति जेवर बढ़ती है और उसे पानी भरती है मुक्ति, कोई मुक्ति नहीं चाहता, मुक्ति का कोई आदर ही नहीं है। काशी में और यहां हरिद्वार में कुछ कुछ मुक्ति लोग चाहते हैं, इसलिए मुक्ति की तरफ में न जाकर के ब्रह्म की तरफ में न जाकर के ब्रह्म नहीं बनना चाहे, इससे अभी संपाद और कोई नहीं है। मैं अपने विषय में फिर आपके आ रहा हूं। एक और भी ऐसे थे जैसे सती जी की गति हुई, एक थे गरुड़ जी, नारायण के वाहन, उनको अज्ञान नहीं होता। एक समय में रामचंद्र जी लीला कर रहे, और लीला करने में मेघनाद ने, रावण के पुत्र ने, उनको शक्ति से शेल मारा, शेल ने उनको नाग पास से लक्ष्मण और राम दोनों को बांध दिया, सांपों से बांध दिए, नाग से, फांस से, एकदम अशक्त हो गए, सारे शरीर में सांप जकड़ लिए। उस समय में
राम विवश हो गए, लक्ष्मण जी विवश हो गए लीला से। अरे जिनके नाम से कहां ये मृत्यु भी चला जाता है, मोह शोक चला जाता है, किंतु ये नर लीला कर रहे हैं हम लोगों के कल्याण के लिए, इन लीलाओं का स्मरण करके हम लोगों की दुर्गति न हो इसलिए। उसी समय में नारद जी ने देखा, अरे हमारे प्रभु को नाक फांस ने जकड़ लिया है। वो भगवान की लीलाओं को जानते हैं, एक बार वो भी छक चुके थे, नारद जी को मोह हो गया था, इसलिए अब उनको माया नहीं व्याप्ती, बस झट गए गरुड़ के यहां, गरुड़ जी जाइए आपको देखते ही उनको सांप छोड़ करके भाग जाएंगे और उनकी मुक्ति मिल जाएगी। ये सुन करके नारद जी के कहने से गरुड़ जी आए और गरुड़ जी जहां वहां पर आए देखते ही सांप उनको छोड़ करके भागे डर के मारे। इनको उस समय में आश्चर्य हुआ, ये मनुष्य राम और लक्ष्मण जिनको सांपों ने बांध रखा था और ये विवश हो गए थे, उनको छुड़ा नहीं सके, और मेरे आते ही ये सांप छोड़ करके भागे, इनमें क्या प्रभाव है? वो जो निराकार जो ब्रह्म है और अनंत है, सब व्यापक ब्रह्म है, वही जैसे सती जी को मोह हुआ था ऐसे इनको हुआ, वो व्यापक ब्रह्म रूप लेकर के कैसे आएगा? और जो आएगा तो उसको सांप कैसे बांध लेंगे, और मेरे आते ही छोड़ करके भाग गए, तो इनमें तो कोई प्रभाव नहीं है, ये कैसे ये प्रभु हो सकते हैं? बड़ी शंका हुई, नारद जी के पास में गए, अरे प्रभु आप तो भक्त हैं, माया को जीतने वाले, मेरी समझ में नहीं आता है हमको देख करके ये सांप भाग गया और राम को बांध रखा, तो ये राम ब्रह्म कैसे हो जाएंगे? कहा जी भाई अभी तो मैं बहुत जल्दी बाजी में हूं, आप जरा ब्रह्मा जी के पास में चले जाओ। ब्रह्मा जी के पास में गए तो उन्होंने कहा जी देखो ये मेरे बस की बात नहीं है, तुम शंकर जी के पास में जाओ, ये सब विद्याओं को जानते हैं। शंकर जी के पास में शंकर जी से मिले तो शंकर जी से कहा जी हमको ये सांप देख करके हमारे छोड़ करके भाग गए राम को, और राम को बांध रखे, ये कैसे ये ब्रह्म हो सकते हैं, व्यापक ब्रह्म कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा जी भैया देखो अभी मैं रास्ते में जा रहा हूं, अभी फुर्सत नहीं, ये तो तुमको बतलाऊं, बिन सत्संग न पाव ही प्राणी, जब तक सत्संग में न रहो तब तक भगवान के प्रति विश्वास नहीं होता। विश्वास होने पर भी यदि सत्संग फिर न करो फिर क्या होगा? फिर माया तुझे पकड़ लेगी। इसलिए तुमको जैसा हुआ है अज्ञान और भगवान के इसमें तुमको संदेह जगा है, संदेहात्मा विनश्यति, ऐसा संदेह गुरु के वचनों में और उसमें नहीं होना चाहिए, तो तुमको हो गया। अच्छा एक बात करो, तुम जाओ, काग भूषुंडी काग के रूप में है किंतु नित्य महापुरुष हैं, उनके पास भी जाओ। तो वहां पर गए, वहां पर जाकर के उनको प्रणाम किया और बोले, काल और समस्त पक्षियों का राजा है गरुड़, आज गरुड़ राजा होकर के भी उस काग के पास में जाकर के प्रणाम किया, यदि तुमको कुछ जानना है भगवान के विषय में तो ऐसे गुरु के पास में जाकर के आत्मसमर्पण करो, नहीं तो तुमको ज्ञान विवेक नहीं होगा और भक्ति भी नहीं होगी। कैसे गुरु के पास में जाएं? तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया, परिप्रश्न करो, उनकी सेवा करो, आत्मसमर्पण करके उनको प्रणाम करो और कहो जे प्रभो आप कृपा करके इस दास को अंगीकार कीजिए, आप जो कहेंगे उस पर विश्वास करके मानूंगा। जैसे अर्जुन ने कृष्ण को कहा, शिष्यस्ते हम साधमा प्रपत्ति, मैं तुम्हारे प्रपत्ति ग्रहण करता हूं, शरणागत होता हूं, तुम्हारी बात मानूंगा। तब कृष्ण ने अर्जुन को बतलाया ऐसे नहीं, तो सदगुरु होगा ऐसे नहीं बतलाएगा, वो शिष्य ही नहीं करेगा, दुर्भगाएगा। और कलयुग जो गुरु हैं वो अपने प्रतिनिधि भेज करके रुपए खर्च करके किसी प्रकार से अपने जाल में लाने की चेष्टा करेंगे, उनको पैसे से जरूरत है, कलयुग गुरुओं के फेर में मत पड़े, देख सुन करके होना चाहिए। यदि किसी प्रकार से फेर में पड़ गए उनको तत्क्षणात छोड़ करके परमार्थी गुरु कीजिए, वो सहज ही नहीं ग्रहण करेंगे, तो भी इसी तरह से कीजिए।
तो गरुड़ जी गए, प्रणाम किया, उन्होंने आदर पूर्वक बैठाया, कैसे पधारे आप, उनको प्रणाम किया, भुसुंडी जी ने सम्मान दिया। उन्होंने कहा ऐसी ऐसी बात, रामचंद्र जी को लोग कहते हैं कि परब्रह्म है, नारद जी बतला गए, शंकर जी ने भी मुझको बतलाया, किंतु उनको इतनी शक्ति नहीं कि उनको सांप बांध रखे और हमको देकर के भग गए और उनको पकड़ रखे, तो उनको क्या कैसे ब्रह्म हो सकते हैं। आज जो ब्रह्म सर्वव्यापी है वो रूप में से पकड़ लेंगे। तब वो अपनी कथा कहना आरंभ किया, उनको बतलाना आरंभ किया, देखो भाई ये माया बड़ी भारी व्यापक है, पकड़ लेगी मुश्किल है। हम सब संसार के जितने हैं माया में फंसे हुए हैं। माया माने क्या? मा या, मा माने नहीं, जा माने जो, जो नहीं हम उसको मान रहे हैं, शरीर हम नहीं, हम शरीर को मान रहे हैं जो मैं हूं, ये संसार के हमारे ये अपने नहीं हैं, कृष्ण अपने हैं, भगवान अपने हैं, उनको छोड़ करके इनको मान रखें, दो दिन के बाद में, 10 वर्ष के बाद में, 100 वर्ष में हमको यही छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे तो हमारा घर भी हमको छोड़ देगा, यह शरीर हमको छोड़ देना पड़ेगा, इसको कहते हैं माया, उसमें आसक्ति को कहते हैं माया। और एक माया का रूप है ये जगत का सृजन जिसने किया है भगवान की इच्छा से, है ना, माया प्रकृति सुजते, माया अध्यक्षेन सुजते प्रकृति सचरात, हमारी अध्यक्षता में भगवान की दासी ये माया है, ये जगत का सृजन करती है और अपने दूसरे रूप से उसमें आसक्ति लगा करके स्थूल और सूक्ष्म शरीर दे रखा है। सदगुरु अपने ज्ञान के तलवार से उनके इस चीज को, आसक्ति को खंडन जो कर सकता है, भगवान का स्वरूप हमारे हृदय में आविर्भूत करा सकता है। कौन गुरु कराएगा? जिसके हृदय में भगवान है, जिसकी अनुभूति है, जिसके पास में पैसा कौड़ी नहीं, वो लाखों डॉलर आपको कैसे दे देगा? वैसा धनी होना चाहिए तब तो, जो ऐसे ज्ञान से भक्ति से समृद्ध है। इसलिए भुसुंडी जी ने अपना यह आरंभ करके बतलाया, देखो मैं शूद्र जाति का एक व्यक्ति था, शंकर जी को बहुत मानता था, शंकर शंकर रटता था, हमने एक गुरु किया, उन्होंने शंकर जी का हमको मंत्र दिया, कुछ दिनों के बाद में हमारे गुरु जी आए तो उन्होंने कहा कि देखो शंकर जी इनकी आराधना करते हैं, जिनकी आराधना करते हैं शंकर जी उनके प्रभु राम हैं, इसलिए राम के प्रति विरोध मत करना यदि कल्याण चाहता है तो, इसलिए शंकर जी की आराधना करते हुए भी शंकर के जो प्रभु हैं उनके भी ईश्वर हैं, आराध्य देव हैं रामचंद्र जी, उनका आदर करना। उसने कहा क्या कहा? शंकर जी का तू निरादर कर रहा, शंकर जी का प्रभु कौन हो गया? शंकर जी का कोई प्रभु प्रभु नहीं है, और गुरु को अपमान किया, जो शंकर जी का अपमान करता है उनका भी आराध्य देव बतलाता है। गुरु जी बड़े सीधे साधे उसको समझाया जे बेटा हमारी बात मान लो, खबरदार ऐसा नहीं करना, किंतु माना नहीं, वो शंकर का भजन करता रहा और जब भी गुरु मिलते तो उसको समझाते किंतु वो समझता नहीं। एक दिन शंकर जी का मूर्ति के सामने में गुरु जी उसको उपदेश दे रहे थे, वो गुरु जी का अपमान किया है? शंकर जी का अपमान कर रहे हैं, तुम यहां से निकल जाओ, मैं तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहता हूं, तुम हमारे गुरु नहीं हो, और इत्यादि कहने लगा। उसी समय शंकर जी की मूर्ति से आवाज निकली, अरे दुष्ट, तू मेरे सामने अपने गुरु का अपमान करता है, मैं तुम्हें अभी संपात देता हूं, लाखों करोड़ों जन्म तक नरक में जाकर के डूबेगा और तरह तरह के जन्म होंगे और उस जन्म में तरह तरह के तापों को तू भोग करेगा, तब तुम समझेगा। इतने में ये शंकर जी के चरणों में गिर गए, शंकर जी आप तो बड़े दयालु हैं, इसने मेरा शरीर हमारा आश्रय ग्रहण किया, समझा रहे हैं, मान रहे हैं, तो भी आप कृपा करके इसको ऐसा अभिसंपात मत दीजिए, आप इसका उद्धार कीजिए। बहुत स्तव स्तुति जब उन्होंने की, शिष्य का दोष नहीं लिया किंतु शंकर जी ने ले लिया, क्योंकि वो वैष्णव है। इस पर शंकर जी बोले अच्छा एक बात करेंगे, एक एक दिन में 10-10, 20-20, 50 जन्म होंगे और उसमें सारे नरक भोग करके फिर झट उसका जन्म हो जाएगा,
कभी कीड़ा मकोड़ा होगा तो पैर तले में दब करके मर जाएगा, कभी कुछ होगा कोई मछली बनेगा तो उसको झट आदमी खा लेंगे, बस श्वास प्रश्वास में इधर उधर फेरने में गगरी के नीचे घड़े के नीचे दब करके मर जाएगा, अभी जन्म लिया भी मर गया, ऐसे बहुत जल्दी से उसके पाप समाप्त हो जाएगा और इसके बाद में शुद्ध भक्तों का संग होने से इसकी गति होगी। कहा भूषुंडी जी कहते हैं जी ऐसे ही मैं कीड़ा बना मकोड़ा बना जल्दी से जल्दी फिर एक ब्राह्मण बना। मैं गया लोमस ऋषि के पास, लोमस ऋषि कहा जी मुझे आप राम का मंत्र मुझे दीजिए। उन्होंने कहा जिसे राम का मंत्र लेकर के क्या करेगा, तू हम ब्रह्मास्मि हम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि तुम ही वही हो ये जपो। उन्होंने कहा जी महाराज जी मैं ब्रह्म का उपासना नहीं करना चाहता, आप कृपा करके राम का उपदेश मंत्र दीजिए, मैं राम का सेवा करना चाहता। लोमस ऋषि बहुत बिगड़ गया, क्या बक 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 करता है कौवे जैसा, काउ काउ करता है, कौवा बन जा, कौवा बन गए, कौवा बन करके कह रहे हैं अरे ऋषि महर्षि जी क्रोध की क्रोध बिना द्वैत के होता है, यदि ब्रह्म ही एक है तो तुमको क्रोध क्यों हो गया, तुम ब्रह्म है तो हमको तुम ब्रह्म नहीं देखता क्यों नहीं देखता, तो ब्रह्म सभी है, तो जो ब्रह्ममय हो जाता है ब्रह्म हो जाता है दूसरों को भी तो नहीं देखता, देखता है कि ब्रह्म ही, तो हमारे पर तुमने क्रोध क्यों किया, ब्रह्म को क्रोध होता है और क्रोध होता है बिना द्वैत के, दो व्यक्ति नहीं रहने से क्रोध कैसे होगा। सुनते ही उन्होंने उनको बुलाया, अरे भैया मैं तुम्हारी परीक्षा कर रहा था, कोई बात नहीं है तुमको राम का मंत्र देता। तो ये करें तब से माया हमको व्यापी नहीं, जर गरुड़ जी को उन्होंने सब सुनाया और अंत में क्या कहा कल जो बतलाया था देखो, श्रुति सिद्धांत यह है उर्गारी भजिए राम सब काज विषय, सब ज्ञान ज्ञान को रखो, ज्ञान से भगवान नहीं मिलते, तपस्या से भगवान नहीं मिलते, दान से भगवान नहीं मिलते, ध्यान में किसका ध्यान करेगा, आप लोग यहां पर हैं हमारे पिताजी का ध्यान करें तो कर सकेंगे, देखा ही नहीं तो ध्यान क्या करेंगे, जिस चीज को देखा नहीं आपने उसका ध्यान क्या करेंगे, राम और लक्ष्मण जी का या कृष्ण का ध्यान कैसे करेंगे, संभव नहीं। इसलिए सहज रूप में नाम लो भगवान का, नाम से उनका दर्शन भी हो जाएगा, जैसा उनका रूप है वो नाम के प्रभाव से हो जाएगा। इसलिए कलिकाल में भगवान का नाम भगवान का मंत्र से बढ़कर के कुछ नहीं है। ब्रह्मवाद में न जाएं, यज्ञ तपस्या झूठ मूठ का करेंगे, आपको लोग डकैत लोग आएंगे वो सब ले लेंगे पैसे, वो पैसे के मुंह से आते हैं, ये नहीं कहेंगे जी भगवान का नाम करो, सहज रूप में भवसागर से तर जाएगा। भगवान का नाम भगवान से भी अधिक स्वरूप से भी अधिक दयालु है, इस चीज को समझिए। इसलिए उन्होंने 9 उपमाएं दी, कमठ पीठ बरु जाम ही बारा बंध्या सुत बरु का ही मारा हिमटे अनल प्रगट बरु होई राम मुख जुन सुख पावन कोई बारी मथे बर हो घृत शिकता ते बरु तेल बिनु हरि भजन न भव तरिया सिद्धांत पे। बारी को नहीं आकाश में पुष्प खिल जाए ये भी मान लूंगा, असंभव को भी संभव मान लेता हूं, ये बर्फ से आग पैदा हो जाए मान लूंगा, किसी बांझ औरत को बेटा हो गया उसको किसी ने मार दिया ये भी मान लेंगे, कपट के पीठ पर कछुए के पीठ पर रोमे उगाए भी असंभव मान लूंगा, पानी को मथने से घी भले ही हो जाए असंभव तभी मान लूंगा, और रेती को धूल को पीसने से कोल्हू में तेल निकालेगा ये भी मान लूंगा, किंतु बिनु हरि भजन न भवतरिय यह सिद्धांत, बिना भगवत भजन के कोई भी सुखी नहीं रह सकते हैं, सबको प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए कलयुग में जप तप ज्ञान ये सब छोड़ो, ध्यान छोड़ो, यज्ञ छोड़ो, इससे कुछ नहीं होने का। भगवान का नाम जिस रूप में जैसे हैं जहां हैं, गृहस्थ हैं त्यागी हैं, अपना कोई भी वाणिज्य व्यवसाय नौकरी चाकरी कर रहे हैं अपना करते रहे और भगवान का नाम लीजिए, किंतु एक बात उसमें है क्या, जो धान की खेती करते हैं या देखे होंगे वो समझेंगे, एक पहिया धान होता है एक पुष्ट धान होता है,
पैयाधान माने उसमें चावल नहीं होते, उसको सूप से फटकने से वो अलग हो जाते हैं, और जिसमें पुष्ट दाना होता है वो उसको थोड़ा सा ऐसे छांट देने से उसमें से चावल निकलता है, और लाखों मन उसको भूसे को अर्थात जिसमें वो चावल नहीं है कूटते रह जाओ, सारा जीवन भर भी उसमें चावल का एक कण नहीं आएगा, और थोड़ा सा ही धान कुष्ठ है उसको कूटने से चावल आएगा। तो ऐसे भगवान के नाम भी दो प्रकार के होते हैं, एक शब्द ब्रह्म होता है और एक शब्द सामान्य होता है। इधर उधर से सुन करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 करे, शास्त्रों में कहीं देख लिया, पुस्तकों में देख लिया, अरे भाई नाम करने से अगस्त ऋषि तो समुद्र को पान कर लिया, और उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, तो हम भी नाम करेंगे तो ऐसे हो जाएंगे। अरे भैया इसमें कुछ रहस्य है, यदि सदगुरु भगवान का नाम का भजन किया हो, जैसे नारद जी ने वाल्मीकि को नाम दिया, मरा मरा से भी राम राम हो गया और जगत पूज्य बन गए, भूत भविष्य वर्तमान के जानने वाले बन गए, किंतु हम लोग कितना करते हैं राम राम कृष्ण कृष्ण, कहां आता है? हारमोनियम लेकर के गाते रहे उसे होगा नहीं, उससे ये तो होगा धन मिल जाएगी, संपत्ति मिल जाएगी, संसार से मुक्ति भी हो जाएगी उससे, और रुपए पैसे अनासी आपको मिल जाएंगे, किंतु भगवान के चरणों में प्रेम नहीं होगा। वो प्रेम कैसे होगा? जो गुरु इसका साधन किया हो, भगवान का नाम जिसके हृदय में आविर्भूत हुआ हो, भगवान के प्रति उसकी प्रेममयी भक्ति हो, संसार से अनासक्त हो, ऐसा गुरु यदि उस नाम को देख करें साधन नियमित रूप में, तब तो उससे ब्रज का प्रेम मिलेगा, तब ये भाव आएगा जो गान किया कीर्तन किया ब्रज की गलियों में, रटू राधा राधा नाम। अंत में यही अभिलाषा चाह क्या है, ब्रज की करीलों में राधा राधा नाम लेकर के डोलता रहूं, तन भी भूल जाए मन भी भूल जाए, राधा राधा नाम करके उनकी चिंता करते करते प्राण तन से, ऐसे भाव है। और कृष्ण उसी समय प्रकट हो जाएंगे राधा जी के साथ, और ऐसा नहीं होने से साधारण शब्द कहने से हरे कृष्ण इधर से सुन लिया उधर से सुन लिया और किया, धन मिल जाएगा, बहुत प्रतिष्ठा मिलेगी सब कुछ, प्रेम नहीं मिलेगा। इसलिए जो लोग प्रेम चाहते हैं वो सद्भक्तों में सत्संगत में बिनु सत्संग न पाओ प्रण, इस प्रकार से विचार करके हम लोगों को चलना चाहिए। हमारे कथाओं का यह सार है। अब श्रीमान शुभानंद ब्रह्मचारी जी आपके सामने कुछ परिवेशन करें। अबे कोई बात नहीं, 10 तक होगा, अबे 15-20 मिनट तक कोई भी देखो कृष्ण का कुछ, इंद्र को ऐसे ही भूल हो गया। चंद्राय राधाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अभी अभी आपने हम सभी ने श्रील महाराज के मुखारविंद से परम मधुर कृष्ण की कथाओं का श्री राम चरित का श्रवण किया, जिसमें भगवान की मधुर लीलाएं और उन लीलाओं में संशय होने पर क्या दुर्गति होती है, ये समस्त विषय हमने श्रवण किया है। भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद घन मिलते हैं, वे परमेश्वर लीला पुरुषोत्तम लीला नायक, उनको वेदांत ने कहा है रसो वैश्य, भगवान रसमय स्वरूप में रसी उनका स्वरूप, इसलिए कहा है रसो वैश्य रसो झेवाय लब्धानंदी भवती, भगवान रस स्वरूप है इसलिए हम सभी लोग उन्हीं को प्राप्त करना चाहते हैं। जब तक हम उनको नहीं पाते हैं तब तक संसार में हम जड़ रस में क्षुद्र रस में हम डूबे हुए हैं। उनको दर्शन करने का क्या उपाय है? वेदांत में तो रसो वैसे कहा है,
जब परब्रह्म भगवान स्वयं आविर्भूत होते अपने लीलाओं को प्रकट करते तब उनका हम दर्शन करते। इसलिए रस में आकार लगा देने से तब की रास होता है। उनकी जो लीलाएं हैं मधुर लीलाएं, उन लीलाओं के द्वारा उनका मधुर स्वरूप की उपलब्धि होती है, आस्वादन होता है। एक रसगुल्ला है, मिठाई है, जब तक हम उसे नहीं खाते तब तक उसका मिठास अनुभव नहीं होता है। परब्रह्म रस स्वरूप है, उनकी लीलाओं के द्वारा जब उनका दर्शन नहीं करें तब तक उनका अनुभव नहीं होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो है लीला पुरुषोत्तम, अपनी मोहन माधुरी, लीला माधुरी, गुण माधुरी और रूप माधुरी को प्रकटित किया। जितने भी भगवान के अवतार हैं उन सभी में भगवान श्री कृष्ण का यह वैशिष्ट्य है, जो अपने मोहन माधुरी के द्वारा समस्त विश्व जगत को मोहित कर दिया है। यहां तक कि वृंदावन के लता पाताल तक पशु पक्षियों सबको आकर्षित किया है, जिनकी मोहन वंश ने, जिनके मोहन रूप ने सबको मोहित कर लिया है। आज भी वृंदावन के पहाड़ पर्वत पिघले हुए उनके चरण चिन्हों से सुशोभित है, जहां पर कृष्ण के वंशित ध्वनि सुन करके पत्थर भी पिघल गया, आज भी चरण चिन्ह बने हुए। इसी प्रकार वृंदावन के पशु पक्षी बेसब दौड़ करके आए कृष्ण का दर्शन करते हुए अपने हृदय की भावना को समर्पित की। इसलिए कहा धन्यास्म मूढ़ गति हरिण येता जानंद नंदन विचित्र मुपाप्त वेशम आकर्ण बेरु रणिताम सह कृष्ण सारा पुयाम दर्द विरचित पुयाम दर्द विरचिताम प्रणया बलो धन्यास्म मूढ़ गति हरिण येता। वृंदावन की हरिणिया हिरणिया धन्य है, जो कि नंद नंदन श्री कृष्ण जब वन में जाते उनके सुंदर नटवर वेश वन की वेशभूषाओं से सुशोभित, फूलों की माला जिनके गले में है, गरी आदि धातुओं से इनकी अंग रचना, मस्तक पर मोर मुकुट को धारण किए, हाथ में जिनके मोहन बंसी है, ऐसे श्री कृष्ण के विचित्र वेशभूषा रूप का दर्शन करके हिरणिया तक दौड़ करके आती हैं, चारों ओर से घेर करती है। वे कुछ कर नहीं पाते, केवल अपने हृदय की भावना अपने नेत्रों के द्वारा समर्पण करती है, कृष्ण को एक चटी लगा करके दर्शन करती है। इसलिए हमारे आचार्य पाद गोस्वामी पादों ने कहा कि धन्यास्म मूढ़ गति हरिण्य येता, अहो मूढ़ गति संपन्न पशु जाति हो करके भी इनका जीवन धन्य है कि सह कृष्ण सारा, जीवन में कृष्ण को ही सार किया है। इसलिए कृष्ण को सार करने से इन लोगों का जीवन धन्य हुआ है और कृष्ण में इतना भाव। और हम अधन्य है, हम मनुष्य जाति के हो करके भी हमारा भाव नहीं हुआ, न हमारे कृष्ण के प्रति कोई भावना आई। ऐसे जो मोहन रूप, ऐसे मोहन माधुर्य के द्वारा सबको विवश कर दिया। नत्य सदा तदुपधार ये मुकुंद गीतम, वृंदावन की जमुना नदी धारा ऊपर से बहती आ रही है चली जाती, परंतु वृंदावन में आकर के जमुना की धारा रुक जाती। कृष्ण के मोहन वंशी के ध्वनि जब जमुना के कानों में प्रवेश किया तो जमुना देवी स्वयं वहां आकर के इधर उधर में घूमते फिरते हुए भ्रमण में पड़ जाती। पानी घूमते हुए उसमें पानी के घूमते हुए कमल के पुष्पों को उखाड़ उखाड़ कर जहां पर वृंदावन में निकुंज बन गई सेवा कुंज में कृष्ण वंशी बजा रहे उनके चरण कमल को पाने के लिए जमुना की दौड़ पड़ती।
इसलिए कमलों को हारा दोनों पुल किनारे को तोड़ती हुई जमुना थी वहां जाती है। पानी की धारा रुद्ध हो जाने से पानी बढ़ता चला जाता है। इस प्रकार वृंदावन के पशु पक्षी गुल्म लता नदियों की दशा जो कई कृष्ण के वंश धन को सुना, जिसने श्री कृष्ण के उस परम मनोहर स्वरूप का दर्शन किया, सभी लोग मोहित हो गए। कृष्ण ने सबको आकर्षण किया और सबको प्रेम दान किया, इसलिए तो उनका नाम कृष्ण है जो कि कृष्णवाचक शब्द नष्ट नवृत्ति वाचक, जो परब्रह्म समस्त जीवों को समस्त प्राणियों को आकर्षण करते हैं और अपने प्रेम रूपी आनंद में सबको डुबो देते हैं और उस लीला माधुर्य में निमज्जित करते हैं। ऐसे जो कृष्ण की लीलाएं हैं, इसलिए कहा वे अखिल रसामृत मूर्ति प्रसिमर रुचि रुद्ध तारका पाली कलिल श्यामा ललितो राधा प्रयाण विदुर जय। इस प्रकार अखिल रस के जो समुद्र है पर ब्रह्म से जो और अवतारों में इतने माधुरी प्रकाशित नहीं हुई, कृष्ण अवतार में उनकी लीला माधुरी प्रकटित हुई। इसलिए श्रीमद् भागवत के प्रारंभ श्लोक में ही कहा है जन्मादस्य जत अन्य आदि तरतश्चार्थे स्वभिज्ञ शराब तेरे ब्रह्म हृदय आदि कवये मूल्यंति सूरज तेजो वारी मृदाम जथा विनिमयो ते सर्गो मृषा धामना स्वेण सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमह। जब पर ब्रह्म श्री कृष्ण लीला नायक श्री कृष्ण जब कंस कारागार में देवकी वसुदेव के यहां वसुदेव नंदन के रूप में प्रकटित हुए, शंख चक्र गदा पद्म दिखे, चतुर्भुज रूप में प्रकट और समस्त आभूषणों से सुसज्जित पितामह को पहने, जिस स्वरूप को देखकर देवकी वसुदेव हाथ जोड़कर स्तुति प्रार्थना करने विदुतो असी साक्षात पुरुष प्रकृति पर हे परम पुरुष आप प्रकृति से अतीत हैं, भक्तों के प्राण संपत्त हैं, आप परम प्रेमी भक्तों के प्रेम के कारण आप स्वयं आविर्भूत होते हैं, हम कंस से डरे हुए हैं, इस स्वरूप का आप छिपाए गोपन करें, आपसे हम प्रार्थना करें सरस्वती प्रार्थना करें। उस समय भगवान ने अपना स्वरूप दर्शन कराते हुए कहा आप लोग डरे नहीं, इधर वाम दर्शितम रूपम प्राय जन्म स्मरणाय में, मैंने जो यह रूप दर्शन कराया यह पूर्व जन्म का स्मरण दिलाने के लिए, आप लोग पहले बहुत काल तक मेरी आराधना की और मुझको पुत्र रूप में पाना चाहा, उस समय मैं आपके सामने आया वरदान देना चाहा, जब पुत्र रूप में पाना चाहा कि आपके समान हमें पुत्र मिल जाए, मैंने देखा न तो मेरे समान कोई है और न मुझसे बढ़कर के कोई है, इसलिए मैंने ही अपने को पुत्र के रूप में दे दिया और जन्म जन्म में मैं पुत्र होकर के आया। पहले अवतार में कृष्ण कर्म होकर के आया, दूसरे अवतार में जब आप लोग कश्यप अदिति हुए उस समय मैं वामन देव होकर के आया, इस समय आप लोग देवकी वसुदेव होकर के आए तो मैं आपका पुत्र कृष्ण होकर के आया, इसलिए जितने भी अवतार हैं वे सभी हमारे अंदर और सब इस अवतारों के मैं मूल अवतारी हूं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं लोग मुझे कहते हैं, मैं ही स्वयं भगवान पर ब्रह्म। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने कहा कि मुझे कंस से आपको डर है तो मुझको गोकुल में रख कर क्या, वहां भी कृष्ण का जन्म हुआ है यशोदा जी के गर्भ से, जिस समय देवकी ने कृष्ण को जन्म दिया प्रकट किया और उस समय कृष्ण यशोदा जी ने भी कृष्ण को जन्म दिया, वहां पर प्रभु बाल लीलाएं, वहां पर जैसे कृष्ण का जन्म हुआ नंद महाराज जी बड़े आनंदित हुए, जात कर्म कार्यामास
ब्राह्मण पंडितों को बुला करके उन्होंने जात कर्म संस्कार कराया। जन्म होने से नाड़ी छेदन होता है और नाड़ी छेदन से पहले दान कार्य होता है। नंद तो महाराज जी ने 20 लाख गाय दान कर दी, तिल के साथ पहाड़ को सोने से ढक करके दान कर दिया और अन्य वस्त्र की कोई ठिकाना। इस प्रकार कृष्ण जन्म उत्सव में उन्होंने दान किया, कृष्ण ने विदाई की, जो कि श्रीमद् भागवत में कहते हैं ऐसे जो पर ब्रह्म जन्मादस्त अपने लीलाओं के द्वारा अपने जन्मों से लेकर के अपने लीलाओं को प्रकट करते हुए अपने माधुर्य को प्रकाशित किया। भक्तों ने उस प्रेम का आस्वादन किया, उस माधुर्य का आस्वादन किया, दूसरों के द्वारा वह संभव। और जहां वैतनिक रूप से जितने भी अशुभदय दान थे उन सब का उन्होंने संहार किया। इस प्रकार कृष्ण अपने लीलाओं के द्वारा सबको उस अमृत समुद्र में डुबोया, सबको पान कराया। और जो अभिज्ञ श्राद्ध पुरुष है स्वयं स्वतंत्र है, भगवान का जन्म कर्म हमारे जैसे नहीं। इसलिए भगवान ने स्वयं कहा है कि जन्म कर्म च में दिव्यम। जो व्यक्ति तत्व तथ्या एवं पुनर्जन्म नहीं मामे पीशु अर्जुन, मेरा जो जन्म और कर्म है ये दिव्य अलौकिक अप्राकृत है। साधारण मनुष्य जैसा हमारा जन्म नहीं होता है, हमारा कोई कर्म बंधन नहीं है और न इस प्रकार हमारा जन्म होता है। परंतु सूर्य जैसे पूर्व दिशा में उदित होने पर उसको हम उदय मानते हैं, पश्चिम दिशा में अस्त जाने पर जैसे हम उसको अस्त मानते हैं। सूर्य में उदय अस्त नहीं, नहीं सूर्य मृत का और सदा ही अवस्थित है प्रकाशमान। फिर भी हम जब देखते हैं तब उसको उदय और जब हम नहीं देखते हैं तब अस्त मानते हैं। इसी प्रकार भगवान का भगवान की लीलाएं जो है नित्य, उनका स्वरूप नित्य है। वे हमारे जैसे कभी शरीर धारण करके नहीं आते और ना ही कभी शरीर छोड़ करके जाते। जिस स्वरूप में आते हैं उसी स्वरूप में जाते हैं और अपनी लीलाओं को दर्शन कराते हैं। अप्राकृत अधिक लीलाओं का दर्शन हमारे इन नेत्रों से नहीं हो पाता है। जब भक्ति के द्वारा नेत्र विकसित होता है, प्रेम का ताजा आंख में लगता है, तब उस प्रेम रूपी नेत्रों के द्वारा भक्ति नेत्रों के द्वारा उनका दर्शन होता है। इसलिए जो भगवान की लीलाएं हैं वह दिव्य अलौकिक अप्राकृत है। साधारण रूप से देखते हैं कि ये भी नंद महाराज जी का बालक है, कृष्ण हमारे जैसे ही खेल कूद किया है, हमारे जैसे ही किया है, तो ये ऐसा नहीं है। भगवान की लीलाएं जो है अलौकिक दिव्य अप्राकृत है। इसलिए कहा तेरे ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंती या सूरज। संसार के लोग नहीं जानते आदि कवि ब्रह्मा जी सर्वप्रथम सृष्टि के प्रारंभ में उन्होंने भगवान की आराधना की। तो भगवान ने अपने दिव्य स्वरूप दिव्य लीलाओं का दर्शन किया और उनके हृदय में समस्त प्रकार के तत्व ज्ञान तत्व दर्शन को प्रकाशित किया, श्रीमद् भागवत को प्रकाशित किया। और उन्हीं से ब्रह्मा जी से नारद जी से व्यास जी इत्यादि क्रम से इस परंपरा में यह वेद ज्ञान शास्त्र समूह प्रकाशित हुआ। भगवान ने भी कहा है काले नष्टा प्रलय वाणी इयम वेद संगीता मयादो ब्रह्मणि प्रोक्ता धर्म जस्याम मदात्मक। जिस समय संसार में प्रलय हो जाता है, सारा संसार पानी में डूब जाता है, कोई भी प्राणी नहीं बचते, तो उस समय कौन धारण करेगा। और फिर से प्रलय के समाप्ति पर जब ब्रह्मा जी सृष्टि प्रारंभ करते हैं, तो उस समय ब्रह्मा जी को मैं उपदेश देता हूं। देवता लोग भी मोहित हो जाते हैं, भगवान की लीलाओं को दर्शन नहीं कर पाते। इसलिए कहा जो ब्रह्म रुद्र शूक नारद भीष्म मुख है। बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष बड़े बड़े महान रालचिनो न सहसा पुरुष परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को दर्शन नहीं कर पाते।
उनका दर्शन करना बड़ा कठिन। पांडव भक्तों के लिए वह सुलभ कि भक्ति नेत्रों के द्वारा उनका दर्शन कर लेते और प्रभु उनके सामने प्रकट होकर के अपने लीला माधुर्य को प्रकाश करते। तेजो बाय मृदान यथा विनिमयो तिसर्गो मृषा, अपने लीलाओं के द्वारा समस्त तेज पदार्थ को निशेष कर दिया। भगवान का लीला धाम जो कि चिर जगत जीव जगत और माया, चिर जगत में विनिमय धाम में वैकुंठ आदि धाम में गोलोक वृंदावन में भगवान की लीलाएं नित्य रूप से होती। जीव जगत यह जीव और माया जगत ये संसार, कभी कभी भगवान अपने लीलाओं को यहाँ प्रकट करते तब हम उनका दर्शन करते। जीव जो है शुद्ध चिन्मय स्वरूप, जीव का शुद्ध चिन्मय स्वरूप और शुद्ध भाव, पर जिस समय हम प्रकृति के संसर्ग में आ जाते हैं, माया में आ जाते हैं, उस समय हमारी आसक्ति संसार में लग जाती है। अज्ञान के कारण हम इस संसार में मोहग्रस्त हो जाते हैं। हमारे अंदर भावना है, हम संसार में रहते हुए एक दूसरों के साथ में बर्ताव करते हैं, गंभीर भाव से शांत भाव से उनके साथ व्यवहार करते हैं, तो यह शांत भाव हमारे अपने पिता माता गुरुजन के प्रति सभी लोग श्रद्धा ज्ञापन करते हैं, सेवा भाव को प्रकट करते हैं, यह दास्य भाव नहीं। परस्पर मित्रों में जो भाव प्रदर्शन करता है इसको सख्य भाव कहा जाता है, अपने बच्चों के प्रति जो स्नेह प्रति दिखलाते हैं इसको वात्सल्य भाव कहा जाता है, ऐसे ही पति पत्नी में जो मधुर संबंध है इसको मधुर भाव कहा जाता है। परंतु ये पांचों भाव तो है दिव्य, परंतु जब तक हम संसार में है संसारिक जनों ने इन भाव को बताए हुए तब तक यह अशुद्ध है, क्योंकि यह शरीर क्षणिक क्षण स्थायी है, थोड़े समय के। इस शरीर में रहते हुए हम संसार में जो प्रति व्यवहार करते हैं, प्रति का आदान प्रदान करते हैं, ये क्षणिक। जब वही भावना हम प्रभु के चरणों में समर्पण कर देते हैं तब वह विशुद्ध हो जाता है, उसमें कोई दोष नहीं रहता है, वह परम विशुद्ध माना जाता है। कि ऐसे वह भक्ति भाव से जब जब संयुक्त हो जाता है वह रस रूप में पैदा होता है, शांत दास सख वात्सल्य मधुर, उसमें चमत्कारिता भाव की चमत्कारिता आ जाती है, वह चरण विशुद्ध हो जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हमें प्रभु के चरणों में प्रति लगाए, उनसे कभी विच्छेद नहीं होता है, उनके साथ जो संबंध है वह नित्य काल का है, अखंड प्रेम अखंड प्यार और अखंड संबंध होता है। संसार में जो संबंध है क्षणिक है, थोड़े दिन के लिए, इसलिए विच्छेद है, इसमें दुख है, इसमें मोह है, अज्ञान। किंतु भगवान में भगवान के साथ जब हमारा नित्य संबंध बन जाता है तब वह विशुद्ध हो जाता है, उसमें कोई दोष नहीं रहता है। इसलिए भगवान ने अपने गोलोक वृंदावन की लीलाओं को इस धरती में प्रकट की है, जहां पर माया का प्रवेश नहीं, जहां पर अज्ञान नहीं, जहां पर कपटता नहीं, जहां पर छल प्रवंचना नहीं, ये सबसे परे ऐसे लीलाओं को हम श्रवण करें। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के उन रूप माधुरी गुण माधुरी लीला माधुरी उसके द्वारा समस्त जीव को जो आकर्षित किया है, हम भी उनके आकर्षण में जाएं, हम उनके नामों का कीर्तन करें, प्रभु की कथाओं को सुने, तब हमारा जीवन परम सुंदर बन जाए। इसलिए कहते हैं समस्त मंत्रों में भगवान श्री कृष्ण की आराधना, उन्हीं का हम ध्यान करते, उन्हें का हम चिंतन करते हैं। श्रीमद् भागवत में भूरे भूरे रूप से भगवान नाम की महिमा का वर्णन किया है कि वो सहज उपाय उनके नामों का कीर्तन करते थे, उनके रूप गुण लीलाओं का स्मरण उनका चिंतन हो, उन्हें में चित्त समा जाए, संसार में जीवन धारण करने का यही सार्थकता है। इसलिए मैं यहीं पर अपना वक्तव्य रखता हूँ। आरती करो, आप आरती करें।
आरती धर्म। जल्दी जल्दी जाओ जला कर उनको शायद तुम चलो उनको शायद। जय राधा माधव जय गुंज विहार।